आज का वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ है वो आपके साथ ना हो। इस साल 25 अक्टूबर को मुझे एक नए नंबर से कॉल आता है और ट्रू कलर में उसका नाम बताता है पद्मिनी, और हमारा बातचीत जो है उड़िया लैंग्वेज में होता है, जो कि मेरा ओन लैंग्वेज है संबलपुरी, और संबलपुरी और उड़िया लैंग्वेज दोनों अलग अलग होता है। तो उड़िया लैंग्वेज में मुझे एक कॉल आता है और वो बोलता है हेलो, मैं बोलता हूँ हेलो कौन हो, तो वो बोलता है उड़िया लैंग्वेज में बातचीत होता है, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, तो यहाँ पे वो बोलता है पहचाने नहीं क्या, तो मैं बोलता हूँ कौन, मैं नहीं पहचाना, आवाज़ थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है मगर मैं ऐसा बोला नहीं पहचाना, तो उसने बोला अभी तक नहीं पहचाने क्या, कौन हूँ मैं, छोड़ो मुझे एक ज़रूरी काम था, मुझे अभी यहाँ पे पैसे की ज़रूरत है, वो बोलता है। यहाँ पे मैंने सोचा कि मेरा सीए होगा शायद, सीए का नाम लेके मैंने बोला विवेकानंद, आप विवेकानंद हो क्या, तो उसने बोला अभी पहचाने तुम बोला। उसके बाद मैंने बोला कि आपका आवाज़ थोड़ा अलग आ रहा है, तो उसने बोला कि मेरे को जुकाम है इसलिए आवाज़ अलग आ रहा है। यहाँ पे जो मेरा सीए है उसका आवाज़ और इसका आवाज़ पूरा एग्जैक्टली सेम था, बस 19-20 का फर्क था। उसने बोला कि जुकाम है, तो मैंने यकीन कर लिया कि वही है मेरा जो सीए है वही होगा। तो उसने बोला कि मेरे को अर्जेंट है 1000 रुपये भेज दो, पुराना नंबर पे मेरा फोन पे नहीं चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे फोन को कट कर दिया, कट करने के बाद जो ओरिजिनल नंबर है उस नंबर पे कॉल करके देख लिया, तो उनका नंबर स्विच ऑफ था। तो ज़्यादातर सीए कभी बिजी रहते हैं तो उनका नंबर स्विच ऑफ ही रहता है, तो 2-4 बार कॉल करके देख लिया स्विच ऑफ था। तो थोड़ी देर वेट किया, उसके बाद उसने फिर से कॉल किया, वो पद्मिनी नाम का जो नया नंबर है उसी नंबर पे कॉल किया। कॉल करने के बाद उसने बोला अर्जेंट है भाई 1000 रुपये भेज दो, अगर नहीं भेज रहे तो दूसरे दोस्त को बोलता हूँ, आप 200 रुपये के साथ ले जाना। मैंने बोला यहाँ पे नहीं है मेरे पास, बोला तो 200 रुपये एक्स्ट्रा ले जाना भाई अर्जेंट है। वो भी जो मेरा सीए है वो मेरे को भाई ही बोलता है, ये भी भाई बोल रहा था, तो कुछ उतना फर्क नहीं पड़ रहा था, मैं पहचान नहीं पाया, दोनों का आवाज़ सेम जा रहा था तो पहचान नहीं पाया। तो ठीक है मैं भेज रहा हूँ, कल मुझे भेज देना अर्जेंट है बोला। यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे मैं आपके नंबर पे भेज रहा हूँ, तो उसने बोला कि वही नंबर पे फोन पे नहीं चल रहा है, फोन पे ब्लॉक है, और यहाँ पे मैं नया नंबर पे कॉल कर रहा हूँ वो फोन नंबर भी नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे मुझे दूसरे नंबर पे भेज दो, इस नंबर पे नहीं, दूसरे नंबर पे फोन पे कर दो बोला। तो किसी को देना है बोला, तो मैं 1000 रुपये फोन पे भेज दिया। उसके बाद बोला कि ये फोन पे चलने के बाद दूसरे दिन बैंक में जाऊँगा, जो फोन पे चलेगा फोन पे चलने के बाद मैं आपको रिटर्न कर दूंगा पैसा, तो मैंने भेज दिया। भेजने के बाद यहाँ पे मैं उस दिन शाम को दुकान में बैठा था, उस टाइम ये हुआ। दूसरे दिन मैंने सोचा कि वो भेजेगा, तो दूसरे दिन सुबह सुबह मुझे कॉल किया, तो कॉल करने के बाद वो मैं नहा रहा था तो मैं यहाँ पे कॉल नहीं उठा पाए। उसके बाद मुझे बोला कि फिर से मेरे को बोलने में शर्म आ रही है, तो मुझे फिर से 700 रुपये की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बोला कि मेरे को टाइफॉइड है, टाइफॉइड निकला है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, 700 रुपये की फिर से ज़रूरत है, तो आप भेज दो एक साथ में, मैं आपको भेज देता हूँ, अभी हॉस्पिटल में हूँ, बाद में बैंक जाकर आपको भेज दूंगा, ऐसा बोला। तो मैंने क्या सोचा कि फिर से भेज दिया उसको 700 रुपये, 1700 रुपये एक साथ दे देगा बोल के। फिर से और एक बार कॉल आता है तो 400-500 कोई पैसा होगा तो भेज दो। मैंने बोला कि यहाँ पे मेरे पास पैसा नहीं है भाई, 300 रुपये है, 300 रुपये भेज देता हूँ बोला। तो ठीक है भेज दो बोला, तो मैंने 300 रुपये भेज दिया, तो टोटल होके 2000 रुपये मेरे अकाउंट से कट हो गए। दो नंबर पे मैंने भेजा, एक बार एक नंबर पे 1000 रुपये और उसी नंबर पे यहाँ पे 700 रुपये और उसके दूसरे नंबर पे 300 रुपये भेज दिया। तो पहले दिन कॉल पे जो मैं 25 तारीख को बात कर रहा था, तो मैं दुकान पे था शाम को, तो उस टाइम कॉल कट करने से पहले मैंने बोला कि GSTR फाइल हो जाएगा क्या आज शाम को, तो GSTR फाइल का डेट भी चला गया था, 22 तारीख लास्ट डेट था, तो 22 तारीख तो भरना ही था, वो मुझे कल करने वाला था, तो इसीलिए शायद वही होगा सोचकर मैंने यहाँ पे पेमेंट कर लिया। और वो बोला शाम को कर दूंगा, तो शाम को GSTR फाइल आपका हो जाएगा ऐसा बोला। शाम को कॉल करता हूँ मैं हॉस्पिटल से जाने के बाद, तो मैंने कॉट कर दिया। दूसरे दिन भी मैंने बोला GSTR फाइल आज कर दें क्या बोला, तो आज शाम को कर दूंगा बोला, और यहाँ पे अभी पेमेंट वापस कर दूंगा और GSTR फाइल भी आपका कर दूंगा ऐसा बोला। तो यहाँ पे कट हो गया। कट होने के बाद मेरे को थोड़ा डाउट लगा, तो उसके बाद मैं दुकान से 12 बजे के अंदर घर जा रहा था। घर जाने के बाद बीच में रास्ते में मुझे फिर से उसका फ़ोन आया, जो फ्रॉड कॉल है, जो स्कैमर है, उसका फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद वो बोला कि यहाँ पे आपका GSTR फाइल हो गया है, मैंने बनवा दिया हूँ, और 1300 रुपये उसका फ़ाइन आ रहा है बोला। तो उतना तो फ़ाइन नहीं आ रहा है, मैंने सोचा यहाँ पे मुझे पेमेंट कर दो बोला। तो मैंने बोला कि ऐसा कैसा बात कर रहा है, मेरे को थोड़ा डाउट हुआ, तो 1300 रुपये तो फ़ाइन कभी लगता ही नहीं है उतना,
तो उसने बोला कि 1300 रुपये कैसे लग गया, तो वो बोला फाइन 1 साल के अंदर आपको कोई भी फाइन नहीं लगेगा, बस 1300 रुपये भर दो, 1 साल के अंदर कोई भी फाइन नहीं लगेगा, 1300 रुपये में मुझे भेज दो बोला। तो यहाँ पे मैंने बोला 2000 रुपये जो मैं आपको पेमेंट किया था उसमें से 1300 रुपये काट दो और मेरे को पैसा भेज दो। तो उसने बोला ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे मैंने पेमेंट कर लिया है, ये जो पैसा है अलग है, ये अलग है, आपको भेजना ही पड़ेगा बोला। तो ऐसे कैसे बात कर रहा हूँ, मैंने बोला तो मेरे पास पैसा नहीं है बोला। तो उसने बोला कि घर वाले जो हैं, घर वाले को मांग लो या फिर वाइफ को कॉल करो, उसके बाद उनके पास होगा तो उनके साथ भेज दो, नहीं तो कोई दूसरे के आदमी के पास पैसा होगा तो उससे भेज दो, नहीं तो नहीं होने वाला है, बाद में आपको 3000 रुपये का फाइन लगने वाला है, अभी 1300 रुपये भरो नहीं तो 3000 रुपये का फाइन लगने वाला है। यहाँ पे मैंने बोला कि ऐसे कैसे बात कर रहे हो, मेरे पास तो पैसा नहीं है, आप बोल रहे हो कि घर वाले को मांगो, ऐसा कैसे होगा, मैं तो मैं ही जानता हूँ मेरे पास पैसा है कि नहीं, मैं फिर से क्यों भेजूँ। तो उसने बोला नहीं तो 3000 रुपये का फाइन लगेगा बोला। तो मैंने बोला जीएसटी करना है तो करो, नहीं तो नहीं करो, दूसरा सीए देख लूंगा, ऐसे बोल के मैंने उसको बहुत सुनाया। उसके बाद वो फोन कट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे को डाउट लगा तो उसको मेरे जो ओरिजिनल से है उस नंबर पे फिर से मैंने कॉल करके देख लिया, तो वहाँ पे भी नहीं लग रहा था। जब मैं घर पहुँचा, घर पहुँचने के बाद खाना खाने के बाद फिर से मैंने ट्राई किया उनको फ़ोन करने के लिए, फ़ोन यहाँ पे उनका लग गया। उसके बाद थोड़ी देर मैसेज आया, मैसेज आने के बाद स्विच ऑफ खुल गया, तो लग गया, लगने के बाद उस तब भी उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, सीए जो है मेरा, उन्होंने 2-3 बार फ़ोन करने के बाद भी नहीं उठाया। उसके बाद मैंने क्या किया, उनको मैसेज कर लिया, मैसेज कर लिया कि यहाँ पे प्लीज कॉल मी अर्जेंट, इसलिए मैसेज करने के बाद यहाँ पे मैसेज आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि हुआ क्या है, उड़िया में लिखा था, तो मैंने यहाँ पे मैसेज पे लिख दिया कि आपने नए नंबर पे मुझे कॉल किया था क्या। तो उन्होंने क्या है कि 1 मिनट के अंदर मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके बोला कि GSTR मैं तुरंत भर लूँगा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं अर्जेंट है, प्लीज बात करो बोल के बोला। तो उन्होंने बात किया तो क्या हुआ बोल के मुझे पूछा। तो उसके बाद मैंने बोला कि ऐसे ऐसे करके नया नंबर पर मुझे कॉल आया था, आपने कॉल किया क्या। तो उन्होंने बोला मैंने कॉल नहीं किया है, तो किसके साथ बात कर रहे थे आप बोला। तो मैंने सोचा आप हो गए शायद, इसलिए मैं 2000 रुपये भेज दिया आप समझ के बोला। तो ऐसे ऐसे कर दिए, आप तो एटलीस्ट समझना चाहिए कि उनका नाम क्या है पहले पूछना चाहिए। मैंने बोला कि ऐसा ऐसा मेरे साथ सिचुएशन हुआ। उसके बाद उन्होंने बोला ये फ्रॉड हुआ है आपके साथ, 2000 रुपये आपका चला गया, तो उसके साथ बात करो वापस करने के लिए, शायद वापस कर दे बोला। तो मैंने क्या है कि फिर से कॉल किया, कॉल रिकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे सुन सकते हो, यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग सुनवा देता हूँ। हेलो। हाँ सर। हाँ अरे जो कौन हो कैसे फॉर्म हो रहा पुणे आईली पुणे सरपंच तो साइन मारी किने फुरा ये नहीं किने इन्हों डिपॉजिट कर किने माने आउ जी जो एक कैश फॉर्म तो पुणे ये दुनिया उड़ी आए रहा से पेमेंट आ रिटर्न कर दो सर। हाँ पेमेंट आ रिटर्न। हाँ कर जो ये कर जो दोनों इधर बोल। हेलो आउटर नंबर फोन केनता लागुनी आपन को नहीं लागुनी बा जो ये सिम करू जी कर जो दंड इतर को। हेलो ठीक हो सर। हां पूछा बोले। हां बोले आप कितने ले कहले केस पड़ला पड़े जानबे आप पैसा पठे दो संध्या को जानो मैं आपन को चेंज पठे दे तो नहीं नहीं बोले तो पैसा डासी जी मु तो कहू के पठे दे बोली। नहीं नहीं भूरे तो आप कहले सुन पठेदेली 2-3 थर कहले फिर पारे कहले जीएसटी बुझे 1300 टका फिर पेमेंट करूँ बोले नहीं नहीं सर आप कहले कि नहीं कही फोन पे टा करूँ बोले कहले कि नहीं कही तुम धमक देला भाई कथबार्ता कर आउ कौन कह भी आउ मगे चिन्हीछ मनाटा धरल मो कथा शुणु ମୁଁ ତ ତମକୁ ମନାକର ବାଧ୍ୟ କରିକି ଦେଇ ତମେ ତମେ ପଠେଇଲ ଯଦି କଲି ଯୋଉ ଇଏ ଆପଣ ତମ ଧମକ ଦେଲା ଭଳିଆ କହୁଛ ମାନେ କଣ କଣ ଟାଇଫଏଡ୍ ହେଇଛ ବୋଲି କହିଲ ଆପଣ ଡକ୍ଟରଖାନାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲ ମୋ କହିବା ମାନେ ହଉଛି ଯେମିତି ତମେ ପଠେଇଦେଉଛ ଭୁଲ ରେ ଆସିଛି ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଠେଇଦେବ ମୁଁ ବି ତ ଆପଣଙ୍କ ଗଲତ କଥା କହୁନି ଠିକ ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
तो यहाँ पे जो मैंने पहला कॉल आया और दो तीन बार कॉल आया उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग नहीं किया, जब मुझे डाउट लगा तब मैं यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो जब मेरे को कॉल आया तो मैंने यहाँ पे 26 तारीख को उसको बोला, दूसरे दिन यहाँ पे मैंने बोला कि मेरा पैसा वापस करो, आपने फ्रॉड करके मेरे पैसे लिया है। तो उसने बोला कि मैंने कब फ्रॉड किया, आप अपने हिसाब से पैसे भेजे हो और मेरे को बोल रहे हो वापस करने के लिए। तो मैंने बोला कि आप मेरे को पहचानते हो क्या, पहले आपने कॉल किया था और GSTR फाइल भरने के लिए फाइन भी मांग रहे थे और पहले बोला कि आप अपने हिसाब से बोला कि पैसे भेज दो, आप मेरे को पहचानते हो क्या, किसको कॉल कर रहे थे मैंने पूछा, तो उसने कुछ नहीं बोला, ऐसे ऐसे करके बात घुमा दिया और वो शाम को पैसा वापस करने के लिए कहा। उसके बाद मैंने बोला शाम तक पैसा वापस करो नहीं तो FIR दर्ज करूंगा, आपका जो साइबर क्राइम है वहाँ पे आपका FIR दर्ज करवा दूंगा। तो उसने क्या बोला, मेरे को धमकी दे रहे हो क्या, आपने पहले पैसा भेजा उसके बाद मांग रहे हो, किस हिसाब से भेजा, ऐसा बोला, कोई सबूत है क्या, बोला उस टाइम मैंने रिकॉर्डिंग नहीं रखा था। तो मैंने बोला शाम तक पैसा वापस करो नहीं तो FIR जाएगा बोला। उसके बाद उसने बोला कि शाम तक पैसा वापस कर दूंगा, उसके बाद फ़ोन कट हो गया। कट होने के बाद विवेकानंद सर से मुझे मेरा बात हुआ, बात होने के बाद उन्होंने बोला FIR मैं दे देता हूँ, तो आप चिंता मत करो मैं FIR दे देता हूँ, वो तो पैसा वापस करने वाला नहीं है, मैं भी जानता हूँ ऐसा साइबर क्राइम बहुत जगह हो रहा है। तो उसके बाद मैं समझ गया कि ये जो 2000 रुपये है मुझे नहीं मिलने वाला है। ये दो दिन के बाद भी मुझे पैसा नहीं भेजा, उस दिन जो CA है उन्होंने बोला कि मैं FIR दर्ज करवा रहा हूँ, यहाँ पे केस चढ़ा रहा हूँ साइबर क्राइम पे। तो उन्होंने केस चढ़ा दिया, उनको पकड़े कि नहीं पकड़े ये मुझे नहीं मालूम। अगर आपके साथ भी ऐसा फ्रॉड हो रहा है तो आप लोग यहाँ पे कुछ काम कर सकते हैं, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरा गलती क्या है पहले जान लो। यहाँ पे मैंने जो गलती किया इसका पहला रीजन ये है कि यहाँ पे मुझे नॉर्मल नंबर से कॉल आया जो कि पद्मिनी नाम से बता रहा था ट्रू कलर में, और यहाँ पे कोई US नंबर या फिर कोई फैंसी नंबर वाला नहीं है जो मैं यहाँ पे समझूं कि ये फेक है, तो कोई नॉर्मल नंबर से कॉल आया, ये मेरी गलती हो गई। और दूसरा रीजन ये है कि उनका जो CA का नंबर है स्विच ऑफ था, उसने भी बोला स्विच ऑफ है और फोन पे नहीं चल रहा है। तो मैंने एक काम यहाँ पे करना भूल गया, अगर कोई बोल रहा है कि उस फोन पे नंबर मेरा नहीं चल रहा है तो उस आप लोगों को क्या करना है कि जो फोन पे नंबर नहीं चल रहा है उसमें 1 रुपये भेज के आपको देखना है 1 रुपये जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो उसमें भेजने के बाद आपको पता चल जाएगा कि 1 रुपये अगर गया तो वो फोन पे नंबर चल रहा है और ये झूठ बोल रहा है। यहाँ पे तीसरा रीजन ये है कि उड़िया लैंग्वेज में मेरा कोई पहचान वाला नहीं है, बस CA को छोड़ के। वो जो मेरा CA है वो भुवनेश्वर के अंदर आता है, तो भुवनेश्वर का है तो यहाँ पे वो उड़िया लैंग्वेज में बात करता है, तो मैंने सोचा वही होगा शायद, और कोई दूसरा पहचान वाला नहीं है उड़िया लैंग्वेज में। मेरा जो ओन लैंग्वेज है संबलपुरी है, संबलपुरी के अंदर मेरा सारे दोस्त लोग सारे पहचान वाले हैं, तो उस नंबर पे अगर कॉल करता तो मैं यहाँ पे पहचान जाता, या फिर हिंदी लैंग्वेज में मैं वीडियो बनाता हूँ तो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज वाला कोई कॉल करता तो तब भी पहचान जाता। तो उड़िया लैंग्वेज मेरे को पहचान में नहीं आया और मैं यहाँ पे फ्रॉड में फंस गया। और चौथा रीजन ये है कि आवाज दोनों का सेम टू सेम जा रहा था, बस 19-20 का फर्क था। और यहाँ पे उसने बोला कि मेरे को जुकाम हुआ है इसलिए मैं पहचान नहीं पाया, सेम आवाज मेरे को लगा, तो मैंने पैसा भेज दिया। किस्मत अच्छी है मैंने 2000 रुपये भेजा, ज़्यादा पैसा नहीं भेजा, मेरे उस अकाउंट में 2000 रुपये ही था, ज़्यादा पैसा नहीं था, तो उसको मैंने पैसा नहीं भेजा। बीच में मैंने बोला कि 1 भी रुपये नहीं भेजूंगा, जो करना है कर लो, इसलिए मैं बच गया। और पांचवा रीजन ये है कि उसका नंबर पे जो है फ़ोन पे नहीं चल रहा था ऐसा बोला, तो मैं यहाँ पे फ़ोन किया तो उसका नंबर स्विच ऑफ था, तो ये मैंने सोचा कि वही होगा शायद, तो इस रीजन की वजह से मैं फंस गया। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो 1930 में आप लोग कॉल करके कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, आपको YouTube में वीडियो मिल जाएगा कि आपका ऐसा फ्रॉड हुआ है, तो आप लोग कहाँ पे कॉल कर सकते हैं और कहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं, YouTube में आपको ढेर सारा वीडियो मिल जाएगा, आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे साथ 2000 रुपये का फ्रॉड हो गया, किस्मत अच्छी है कि 2000 रुपये मैंने भेजा, ज़्यादा पैसा नहीं भेजा। यहाँ पे गाइस 2000 रुपये जो है बड़ा अमाउंट होता है, और किस किस के लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है 2000 रुपये, और किस किस के लिए तो 1 लाख रुपये भी कम अमाउंट होता है। तो गाइस सोच लो कि जो पैसे वाले हैं उनको कैसा ठगा जा रहा होगा, उनके साथ लाखों रुपए का स्कैम होता जा रहा होगा, जो अनपढ़ हैं उनके साथ तो ये हो रहा होगा। गाइस यहाँ पे आप लोग समझ लो, आपका कोई रिलेटेड अगर कोई कॉल करता है तो आपको तुरंत कॉल कट करना है और उसको फिर से कॉल करना है, जो ओरिजिनल नंबर है उस नंबर से कॉल करना है, आपको ये बात ध्यान रखना है। कभी कभार AI का इस्तेमाल करके वो आवाज़ भी चेंज कर देंगे, सेम टू सेम आवाज़ करके आपके पिताजी का आवाज़ में बात करेंगे और वही नंबर पे भी कॉल आएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप सोचेंगे कि मेरे पिताजी ने कॉल किया और मुझे पैसे भेजने को कहा तो मैं भेज देता हूँ।
आपका ऐसा ही फ्रॉड हो जाता है। आप लोग ध्यान से इस बात को ध्यान रखें और फ्रॉड में ना फंसें। आपको ऐसा कॉल आता है तो फोन पे में दूसरा नंबर में फोन पे करने के लिए बोलेगा, तो आपको क्या करना है कि जो आपका रिलेटेड है वही नंबर पे फोन पे करूंगा ऐसा बोलना है। आपको एक रुपये फोन पे में भेजना है और देखना है कि फोन पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो बोलेगा फोन पे नहीं काम कर रहा है, तो आपको एक रुपये भेजना है ओरिजिनल नंबर पे। तो उसके बाद आप समझ जाएंगे कि ये फ्रॉड है। तो गाइस ये बात आपको ध्यान रखना है और कॉल कट करके आपको ओरिजिनल नंबर पे कॉल करना है। तो गाइस देख रहे हो हर दिन नया नया नेक्स्ट लेवल का स्कैम हो रहा है, लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। तो आप लोग ध्यान रखें, जेन माने उड़िया भाई मना अच्छा मोर उड़िया भाई बंधु मैंने भी सुनी पको कि जेन फ्रॉड करी छे से पिलाटा भुवनेश्वर आसपास रो लोग है एंता लगुचे उड़िया भाषा रे कथा हला। तो आपण माने भी सतर्क रहून, आमर आसे पासे भी ये फ्रॉड हो छे, एआई रो इस्तेमाल करी करी नेक्स्ट लेवल रो पे फ्रॉड हो छे। तो वीडियो के उड़िया भाई मैंने जिते देखुछन आपण मनकर संग मन के या तो आपण मनकर जे रिलेटिव रे लोग मैंने अच्छा सबके शेयर करो, ताकि से मैंने भी जानूँ कि आमर इने ओडिशा थी भी ई स्कैम हो पारे नेक्स्ट लेवल रो स्कैम। तो आपण मैंने भी ध्यान रखून क्या जी कि कालीर दिन आपण मन ठाने भी ई स्कैम हो पारे। तो मुझे नहीं चाहबार कि आपण मन पैसा एंता ही नुकसान हो और फ्रॉड कॉल आसिकर आपण मन पैसा नुकसान रह जो। तो जिते पार्छन से शेयर करूँ और चैनल के भी सब्सक्राइब कर दौन।